इसराइल फिलिस्तीन के बीच अभी भी जंग जारी है। इस जंग में अब तक 21,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हर दिन इसराइल बमबारी में दर्जनों फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा रहे हैं। इन सबके बीच दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। इसराइल फिलिस्तीन के बीच करीब 3 महीने से जंग जारी है। इस जंग में अब तक 21,000 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, फिर भी अभी तक इस जंग के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में दुनिया के पटल पर जंग को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका ने बड़ा कदम उठाया है। दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, जिसमें उसने इसराइल पर हजारों फिलिस्तीनियों की जान लेने का आरोप लगाया है और कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस दायर कर कहा कि गजा में फिलिस्तीनियों की जान ली जा रही है, इसलिए इसराइल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। इसराइल की सेना फिलिस्तीन को राष्ट्र और नस्ल के रूप में खत्म करने के इरादे से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से इसराइल को गजा में अपने सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने के लिए अंतरिम आदेश जारी करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका ने आगे कहा कि गजा में इसराइल इंटरनेशनल लॉ की भी धज्जियां उड़ा रहा है और लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ऐसे में फिलिस्तीन के नागरिकों की रक्षा जरूरी है, इसके लिए तुरंत उपाय किए जाने की जरूरत है। हालांकि साउथ अफ्रीका के इन आरोपों को इसराइल ने निराधार बताया है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट में दो देशों के बीच जारी विवाद को सुलझाया जाता है। ICJ को UN का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को माना ही जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। हाल ही में कोर्ट ने रूस को आदेश दिया था कि वो यूक्रेन में जारी अपने सैन्य अभियान को तुरंत बंद करे, लेकिन रूस ने कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और हमला जारी है। DB Live की रिपोर्ट।